नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज 18 मार्च, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में 28 जिलों की सड़कों पर नहीं होगा बाढ़ और भूकंप का कोई भी असर। अब बिहार के जिले में बनेगा अनोखा रामायण विश्वविद्यालय। बिहार में अब चरित प्रमाण पत्र बनवाना हुआ आसान। बिहार में अब ट्रैफिक पुलिस भी कर रही है शराबियों की तलाश। द कश्मीर फाइल्स जल्द ही पहुंचने वाली है 100 करोड़ के क्लब में। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के 28 जिलों की सड़कों पर नहीं होगा बाढ़ और भूकंप का कोई भी असर। बिहार की सड़कों को सुदृढ़ करने में बिहार सरकार वैसे ही लगी हुई है। यही कारण भी है कि बिहार में सरकार की तरफ से सड़क निर्माण का काम जोर शोर से किया जा रहा है। हालांकि बाढ़ और भूकंप के कारण कई बार कई सड़कों के क्षतिग्रस्त होने जैसी जानकारियां भी निकल करके सामने आती रही है, लेकिन अब उम्मीद है कि जल्द ही समस्या से भी निजात मिल जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार की योजना के अनुसार बिहार के 28 जिलों की सड़कें बाढ़ और भूकंप रोधी बनेंगी। पथ निर्माण विभाग ने ईएस मैपिंग के आधार पर 28 जिलों की क्रिटिकल प्रोफाइल बनाई है। विभाग ने सड़क सुरक्षा ऑडिट के लिए इन 28 जिलों को दो ग्रुप में बांटा है। ग्रुप ए में अररिया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और किशनगंज समेत 10 जिलों को शामिल किया गया है, जबकि ग्रुप बी में भागलपुर, बांका, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया समेत 18 जिलों को शामिल किया गया है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे राजकमल चौधरी की। राजकमल चौधरी हिंदी और मैथिली के प्रसिद्ध कवि और कहानीकार थे। मैथिली में स्वरगंधा कविता, राजकमल आदि कविता संग्रह, एकता चंपाकली, एकता विषधर कहानी संग्रह और आदि कथा, फूल पत्थर और आंदोलन उनके चर्चित उपन्यास है। हिंदी में उनकी संपूर्ण कविताएं भी प्रकाशित हो चुकी हैं। राजकमल चौधरी का जन्म उत्तरी बिहार में मुरलीगंज के समीपवर्ती गांव रामपुर हवेली में हुआ था। उनका वास्तविक नाम मनिंद्र नारायण चौधरी था, लेकिन स्नेह से लोग उन्हें फूल बाबू कहकर पुकारा करते थे। बचपन के आरंभिक दिनों में उनकी मां त्रिवेणी देवी का असामयिक निधन हो गया। छोटे मनिंद्र को अपनी मां के आंचल की कमी का गहरा प्रभाव पड़ा। उनका शुरुआती बचपन अपने पैतृक गांव महिषी में गुजरा। बाद में वो अपने पिता के साथ नवादा, बाढ़ और जयनगर भी गए, जहां उनके पिता नौकरी किया करते थे। बिहार के गांव में 8,500 किलोमीटर लंबी सड़क बनाएगी सरकार। बिहार सरकार शहरों के साथ साथ गांव को भी विकसित करने का काम कर रही है, जिसके तहत ही अब बिहार सरकार बिहार के गांव को 8,500 किलोमीटर सड़क देने जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में नए वित्तीय वर्ष यानी कि 2022-23 में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 6,000 किलोमीटर लंबी ग्रामीण पथों का निर्माण किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2500 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। इसके साथ ही 9,000 किलोमीटर लंबे ग्रामीण पथों की मरम्मति और अनुरक्षण कराने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके साथ ही सड़क किनारे पौधारोपण के साथ ही अनिवार्य सड़क सुरक्षा मानकों का प्रावधान किया जाएगा। 12,555 किलोमीटर लंबी 1660 सड़कों का सर्वे भी कर लिया गया है। बिहार में पाए जाने वाले पौधे पर शोध के लिए मिली मंजूरी। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के तहत चर्म रोग का इलाज अब मुमकिन होता दिखाई दे रहा है, जिसमें रामबाण चिरचिरी का पौधा साबित हो सकता है, क्योंकि राजकीय आयुर्वेद कॉलेज और अस्पताल पट्टा में फंगल इन्फेक्शन में चिरचिरी के पौधे के असर को लेकर शोध करने की तैयारी शुरू हो गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि चिरचिरी को आयुर्वेद में अपा मार्ग कहा जाता है और इस पौधे के बहुत से गुणों का वर्णन प्राचीन आयुर्वेद के ग्रंथों में है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस पौधे के माध्यम से आधुनिक रोगों के निदान को लेकर शोध अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। राजकीय आयुर्वेद कॉलेज अस्पताल पटना के प्राचार्य डॉक्टर SN पांडे ने इस बात की जानकारी दी है। बिहार में अब चरित प्रमाण पत्र बनवाना हुआ आसान। केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार भी सरकारी कार्यों को डिजिटल बोर्ड पर करने पर विचार कर रही है। बिहार में तो खासकर सभी विभागों को इस तरफ कार्य करने की बात कही गई है। बिहार सरकार ने ऑनलाइन कार्यों को लेकर जोर दिया है, जिसके तहत हम देख रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर निवास आवास प्रमाण पत्र बनवाना है तो वो अब ऑनलाइन करवाना होता है। ऐसे में अब बिहार सरकार ने यह भी कहा है कि चरित प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन देना है। बता दें कि बिहार में पुलिस विभाग से चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना अब बेहद आसान हो गया है। इसके लिए अब आपको लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा और ना ही किसी भी अधिकारी या फिर कर्मचारी को जेब गर्म करना पड़ेगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर 14 दिनों के अंदर आपका चरित प्रमाण पत्र नहीं मिलता है तो पुलिस पदाधिकारी पर ₹250 रोजाना की दर से जुर्माना लगेगा। इस पूरे मामले को लेकर गृह विभाग ने पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखा है।
बिहार में होली मनाएंगे लोग, इधर हो रही होगी ESIC की भर्ती परीक्षा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम में विभिन्न पदों के लिए जल्द ही परीक्षाओं का आयोजन होने वाला है। सबसे खास बात यह है कि इस परीक्षा का आयोजन 19 और 20 मार्च को होने वाला है। इसको लेकर निगम की तरफ से सारी जानकारी साझा कर दी गई है, जिसके तहत ही निगम की तरफ से कहा गया है कि कैलेंडर के मुताबिक होली 18 मार्च को है। साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया मुख्यालय से तय होती है, बिहार की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी। बता दें कि 1 जनवरी को विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए निगम की तरफ से विज्ञापन राष्ट्रीय स्तर पर निकाला गया था, इसमें बिहार के लिए कुल 96 पद थे। होली में लोगों को सताएगी तेज गर्मी। बिहार में होली का त्यौहार बस कुछ ही घंटों दूर है। गुरुवार को होलिका दहन के बाद अब शनिवार को होली का त्यौहार मनाया जाना है। हालांकि इस बार की होली लोगों को सूरज की मार के बीच में खेलनी होगी, क्योंकि बिहार में तेजी से मौसम का मिजाज तल्ख होता जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो राजधानी पटना के अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री की वृद्धि के साथ 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 3 डिग्री ऊपर चढ़ने के साथ ही 19.0 सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं 24 घंटे के बाद प्रदेश का तापमान 40 डिग्री के आसपास रहने का पूर्वानुमान है। इससे होली के दिन लोगों को तपिश झेलनी होगी। अब बिहार के इस जिले में बनेगा अनोखा रामायण विश्वविद्यालय। भारतीय विरासत और संस्कृति के प्रति गौरव का भाव अब जनमानस में प्रबल होने लगा है, जिसका नतीजा भी कई चीजों पर अब दिखाई देने लगा है, जिसके बाद ही अब पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर ने भी एक ऐसी पहल की है जिसको जानकर यकीनन हर भारतीय गौरवान्वित हो सकता है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार महावीर मंदिर ट्रस्ट ने एक अनोखे विश्वविद्यालय को खोलने के लिए शिक्षा विभाग से संपर्क साधा है। इस विश्वविद्यालय का नाम रामायण विश्वविद्यालय होगा। यहाँ सभी तरह के रामायण के अध्ययन की व्यवस्था होगी। सबसे खास बात यह है कि यह विश्वविद्यालय अपने तरह का इकलौता विश्वविद्यालय होगा। यहाँ वाल्मीकि रामायण को केंद्र में रखकर गोस्वामी तुलसीदास, कृत रामचरितमानस और भारतीय भाषाओं और दक्षिण पूर्व एशिया में प्रचलित सभी तरह के रामायण पर वृहद अध्ययन और शोध कार्य होंगे। बिहार में विमान से सफर करने वाले यात्रियों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं। पटना एयरपोर्ट पर विमान से सफर करने वाले यात्रियों को जल्द ही बेहतर सुविधा मिलने वाली है, जिसको लेकर ही स्पाइसजेट और नॉन स्केड्यूल फ्लाइट से पटना आने जाने वाले यात्रियों को ग्लोबल फ्लाइट हैंडलिंग सर्विसेज बेहतर सुविधाएं मुहैया कराएगा। यात्रियों को बैटरी संचालित बस और ट्रक की सहूलियत मिलेगी। ग्लोबल फ्लाइट हैंडलिंग सर्विस चेन्नई की कंपनी है, जो थाईलैंड की कंपनी इंटरनेशनल JV पार्टनर बैग्स ग्राउंड सर्विसेज के साथ काम कर रही है। एयरपोर्ट निदेशक भूपेश नेगी ने इस बात की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अगले 10 साल के लिए इस कंपनी को ग्राउंड हैंडलिंग के लिए अवार्ड किया है। आयुध वस्त्र निर्माणी ने निकाली रिक्तियां। आयुध वस्त्र निर्माणी ने ट्रेड अप्रेंटिस के कुल मिलाकर 180 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 10वीं 10+2 की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 29 मार्च 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.troopcomfortslimited.co.in पर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहार में अब ट्रैफिक पुलिस भी कर रही है शराबियों की तलाश। बिहार में कहने को शराबबंदी कानून सालों से लागू है, लेकिन इसकी सच्चाई से आप भी जरूर वाकिफ होंगे। यही कारण भी है कि बिहार सरकार बिहार में शराबियों पर नकेल कसने के लिए अब तक कई दलों को भिड़ा चुकी है, जिसमें पटना पुलिस, LATF उत्पाद पुलिस के अलावा अब ट्रैफिक पुलिस को भी जिम्मेदारी दे दी गई है। ट्रैफिक पुलिस अब गाड़ी चेक करने के साथ ही साथ शराब भी चेक कर सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार शहर के बड़े पोस्ट के साथ ही उनकी रेगुलेशन टीम घूम घूम कर रैंडमली कहीं भी चेकिंग कर सकती है। इतना ही नहीं, अब तो ट्रैफिक पुलिस संदिग्ध व्यक्ति को रोक सकती है, ब्रेथ एनालाइजर लगाकर उसकी जाँच कर सकती है। अगर जाँच में रिपोर्ट पॉजिटिव मिली तो ट्रैफिक पुलिस को तत्काल लोकल थाना को इसकी जानकारी देनी होगी। बिहार में मुजफ्फरपुर की शाही लीची की खेती का बढ़ेगा रकबा। बिहार की मशहूर मुजफ्फरपुर की शाही लीची का स्वाद आपने जरूर चखा होगा, लेकिन अगर आपने नहीं चखा है तो आपकी इच्छा जरूर होगी कि शाही लीची का स्वाद जरूर चखे। ऐसे में अगर आपको ये पता चले कि बिहार में उगाई जाने वाली मुजफ्फरपुर की शाही लीची की खेती का रकबा बढ़ने वाला है तो आप भी इस खबर को सुनकर जरूर खुश हो जाएंगे। करीब 12,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल बढ़ाने की योजना पर काम हो रहा है। अगले 5 साल में लक्ष्य को पूरा करना है। पहले चरण में इस साल 50,000 पौधे लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत में भी पौधे भेजे जाएंगे। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत में भी पौधे भेजेगी। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुशहरी और जिला कृषि विभाग ने इसको लेकर पहल की है। अनुसंधान केंद्र ने इसके लिए 50,000 पौधे तैयार किए हैं।
आवास योजना में बिहार को मिला सबसे अधिक कोटा। बिहार को साल 2022-23 में बजट के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार को देश का सबसे अधिक कोटा मिला है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार को मिला कोटा उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से भी ज्यादा है। इसको लेकर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विधान परिषद में ही दावा किया है। इस बाबत उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार का लाभ मिल रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 11.49 लाख आवास का कोटा दिया गया है। इसके लिए 13,800 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी। इंटर पास करने वाली इन सभी छात्राओं को मिलेगा 25,000। इस बार भी बिहार बोर्ड ने देश में सबसे पहले रिजल्ट जारी करने की परंपरा को जारी रखा। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने इसकी जानकारी दी और साथ ही रिजल्ट जारी किया है, जिसके बाद ही अब 12वीं पास करने वाली छात्राओं को 25,000 रुपए देने का ऐलान हुआ है। इसको लेकर शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया है कि जो भी लड़कियां इंटर में पहले डिवीजन से पास हुई हैं उन्हें 25,000 रुपए मिलेंगे। उन सभी घरों में आज दिवाली मनेगी। 14 फरवरी को परीक्षा खत्म हुई थी और 16 मार्च को परीक्षा परिणाम दे दिया गया। इससे तेज गति से कोई परिणाम नहीं दिया जा सकता। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो मेरिट लिस्ट में ऊपर है उनको तो शुभकामनाएं देता ही हूँ और जो नीचे रह गए हैं उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूँ। बिहार विधान परिषद चुनाव में 24 सीटों पर इतने प्रत्याशियों ने किया नामांकन। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर बिहार में बिगुल फूक चुका है, जिसके तहत ही बिहार में चुनाव को लेकर अभी से ही तैयारियां तेज है। इसी बीच हाल ही में बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया खत्म हुई है। 24 सीटों पर कुल मिलाकर 201 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा भर दिया है। इनमें 23 महिलाएं जबकि 178 पुरुष उम्मीदवार है। वहीं बीते दिन नामांकन पत्रों की जाँच की गई, जिसके बाद ही अंतिम स्तर पर प्रत्याशियों की सूची अब तय होगी। वहीं नाम वापसी की अंतिम तारीख 21 मार्च है। सभी सीटों पर 4 अप्रैल को चुनाव होना है और वोटों की गिनती 7 अप्रैल को होगी। पहले माहौल गर्म और बीते दिन दिखा सदन खुशनुमा। जहां एक तरफ हाल ही में बिहार विधानसभा के अंदर सीएम नीतीश और विधानसभा अध्यक्ष के बीच नोकझोंक देखने को मिली, लेकिन इसके बाद बीते दिन बुलाई गई सदन में खुशनुमा माहौल देखने को मिला। दरअसल हुआ कुछ यूं कि बिहार विधानसभा में बजट सत्र का 14वां दिन था, जहां पर ही प्रश्नकाल के दौरान विधायक अपने सवाल सदन में रख रहे थे और संबंधित मंत्री उसका जवाब दे रहे थे। इसी दौरान हंगामे के बीच चलने वाले सदन में ठहाके लगने लगे, क्योंकि विधानसभा में राजद नेता भाई वीरेंद्र खाद्य आपूर्ति विभाग से जुड़ा एक सवाल पढ़ रहे थे। उन्हीं के सवाल का जवाब देते हुए लेसी सिंह ने कहा कि हम लोगों ने 2014 तक का ऑडिट करवा दिया है और जुलाई तक 2021 तक का ऑडिट हो जाएगा। उन्हीं के इस सवाल पर विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने उन्हें टोकते हुए कहा कि फिर झमेला करवाइएगा क्या। इस पर पूरा सदन ठहाके से गूंज उठा। मुकेश सहनी ने तेजस्वी को दिया ऑफर। सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी ने बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बिहार में सरकार बनाने का ऑफर दिया है। एनडीए में भाजपा के साथ उनकी चल रही लड़ाई के बीच उनके इस फॉर्मूले ने एक बार फिर से राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है, जिसके तहत ही बीते दिन तेजस्वी को ऑफर देते हुए सहनी ने कहा कि तेजस्वी 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब को छोड़ दे। यदि वो 2.5 साल के लिए खुद और इतने ही दिनों के लिए उन्हें अन्निशात समाज के किसी अन्य नेता को सीएम बनाने की बात कहते हैं तो वीआईपी साथ है। उन्होंने कहा कि वो हमेशा से लालू प्रसाद यादव को मानते रहे हैं, लालू हमेशा उनके दिल में रहेंगे। मुंगेर के पूर्व विधायक रामदेव सिंह यादव के निधन पर सीएम ने जताया शोक। बीते दिन मुंगेर के पूर्व विधायक एवं राज्य के सहकारिता मंत्री रह चुके रामदेव सिंह यादव का निधन हो गया। मिली जानकारी के अनुसार वो 84 साल के थे। परिवारजनों की माने तो सुबह सुबह उन्हें हार्ट अटैक आने के बाद सदर अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद ही रामदेव सिंह यादव के निधन पर माननीय मुख्यमंत्री ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने ऐलान किया है कि राजकीय सम्मान के साथ ही रामदेव सिंह यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि स्वर्गीय यादव 1980 से 1995 तक मुंगेर के विधायक रहे, साथ ही 1990 से 1994 तक राज्य के सहकारिता मंत्री रहे। 2 बार उन्होंने लोकदल और 1990 में जनता दल से चुनाव जीता है। वैशाली के विश्व शांति स्तूप में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। शांति का प्रतीक विश्व शांति स्तूप वैशाली का एक अनूठा घटक है, जिसका निर्माण जापानी बौद्ध के निपुण जैन मोहोयोजी संप्रदाय ने करवाया था। इस स्तूप का व्यास 65 फुट का है और इससे स्तूप का आकार 125 फुट लंबा है। स्तूप में भगवान बुद्ध के अवशेष, सोने के गहने और कांच का काफी सामान रखा है। ये स्थान हमेशा सद्भाव और बुद्ध के सिद्धांतों का स्थल है, जो पूरे विश्व में शांति बनाए रखने का आह्वान देता है। बिहार के विश्वविद्यालयों में नए सत्र में भी नहीं मिलेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने अक्टूबर 2020 में अलग अलग विषयों में कुल 4,638 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाल दिया है। हालांकि इस बात को 1.5 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक आयोग अपनी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाया। इसको लेकर चेयरमैन राजवर्धन आजाद ने भी अपनी बात कही है, जिसके तहत ही उन्होंने कहा कि आयोग अब तक 52 विषयों में लगभग 18 विषयों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर पाया है। जिन विषयों की नियुक्ति प्रक्रिया अब तक पूरी की गई है उसमें कोई बड़ा विषय नहीं है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता कि आयोग के चेयरमैन और सदस्यों का कार्यकाल फरवरी और मार्च में समाप्त हो चुका है, लेकिन सरकार ने इन सभी को 30 जून तक का सेवा विस्तार दे दिया है। आयोग के चेयरमैन और सदस्य ने अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया था।
तेजस्वी का सवाल, जातीय जनगणना कब तक करवाएगी सरकार। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर चर्चाएं तेज हो रही हैं। बिहार में हालांकि इस मुद्दे को लेकर पक्ष और विपक्ष का मत तो एक है, लेकिन अब तक इसको लेकर बिहार सरकार टस से मस नहीं हुई। इसी को लेकर विपक्ष की तरफ से एक के बाद एक आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसके तहत ही बीते दिन भी सदन में तेजस्वी ने इस मुद्दे को उठाया। हालांकि इसको लेकर तेजस्वी खुद तो सदन में मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में रामानुज प्रसाद यादव ने बिहार में जातिगत जनगणना कराने का सवाल पूछा और चलते सत्र में सरकार से जवाब देने की मांग की है। हालांकि उनके सवाल के बाद सरकार की तरफ से कहा गया है कि वो इस सत्र में उसका जवाब देने वाले हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने एक फैन को दिया मुंह बंद करने वाला जवाब। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए काफी मशहूर है। अपनी कप्तानी में सीएसके को 4 बार आईपीएल चैंपियन बना चुके धोनी का गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर देखने को एक बार फिर मिला है, जब उनसे एक फैन ने पर्सनल सवाल पूछा। सीएसके के स्पॉन्सर इंडिया सीमेंट्स के एक इवेंट में फैन ने कहा कि सर, क्या मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछ सकता हूं। इस पर धोनी ने तपाक से जवाब दिया, पूछो, आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, इसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे जवाब देना है या नहीं। इस पर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। अनिवार्य और मुफ्त प्राथमिक शिक्षा प्रावधान के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने सन 1910 में ब्रिटिश विधान परिषद के सामने अपना प्रस्ताव रखा। ब्रितानी अदालत ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद सन 1922 में राजद्रोह मामले में महात्मा गांधी को 6 साल तक की सजा सुनाई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने सन 1944 में बर्मा की सीमा पार की। संयुक्त राष्ट्र ने 2006 में मानवाधिकार परिषद के गठन का प्रस्ताव मंजूर किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2009 में मेघालय में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की। 1914 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के पूर्व अध्यक्ष और भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके नागेंद्र सिंह का जन्म हुआ। 1938 में हिंदी सिनेमा जगत के प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक शशि कपूर का जन्म हुआ। हिंदी सिनेमा की जानी मानी गायिका राजकुमारी दुबे का 2000 में निधन हुआ। द कश्मीर फाइल्स जल्द ही पहुंचने वाली है 100 करोड़ के क्लब में। द कश्मीर फाइल्स ने 6ठे दिन कलेक्शन में तगड़ा रिकॉर्ड बनाया है। फिल्म की कमाई हर दिन के साथ लगातार बढ़ती जा रही है। बुधवार को बॉक्स ऑफिस पर 19 करोड़ रुपए बरसे, यह अब तक की सिंगल डे की सबसे ऊंची कमाई है। मंगलवार को फिल्म ने 18 करोड़ रुपए कमाए थे। फिल्म 100 करोड़ क्लब में पहुंचने वाली है। अनुपम खेर भी फिल्म की सफलता से खुश है। उन्होंने फिल्म की कमाई पर ट्वीट भी किया है कि यह फिल्म जगत की जीत है। मंगलवार को द कश्मीर फाइल्स ने 18 करोड़ की कमाई की थी। अब टोटल कमाई 79.25 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है। वहीं बीते दिन भी हुई ताबड़तोड़ कमाई के बाद उम्मीद है कि जल्द ही यह फिल्म 100 करोड़ के क्लब में पहुंच जाएगी। नेटफ्लिक्स ने दिया अपने यूजर को बड़ा झटका। अकाउंट एक यूजर अनेक वाले फंडे पर नेटफ्लिक्स अब ब्रेक लगाने वाला है। दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे यूजर हैं जो नेटफ्लिक्स का एक सब्सक्रिप्शन लेकर अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ पासवर्ड को शेयर कर देते हैं, ताकि सभी नेटफ्लिक्स कंटेंट का मजा ले सके। यूजर के लिए तो ये फायदे का सौदा है, लेकिन कंपनी को इससे काफी नुकसान हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए नेटफ्लिक्स अब पासवर्ड शेयरिंग को बंद करने पर विचार कर रही है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है राहुल यादव, सलीम भाई, अमित ठाकुर पासवान, जितेंद्र ठाकुर, बिहारी राज, कोमल राज, शंकर शाह, चंदन गुप्ता, जितेंद्र कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में होली के मौके पर सबसे खास क्या होता है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।